चौगुनो मांग रहे हैं, चार गुनो सरकार ने मंजूर कर दो है तो हमें चोर मिले, 13 में मंजूर करो हम लोग 16 में। ये सरकार क्या कहती है? सरकार तो सुने ही ना, और धनिया उठावे झगड़ो लठ बजावे, ये तो हम लोग हेगड़ी कर रहे हैं, हमें मार दे उठ जाएगा जिंदे पर हम उठेंगे ना भाई। सर्कल रेट ना जो हमें सर्कल रेट भी नहीं दिया ना, सर्कल रेट हमारा 1120 को और 2721। दशहरा के पास में जो THDC THDC में यहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है यहाँ पे 1300 मेगावाट का, जिसके लिए वहाँ पे UPSIDC ने लैंड THDC को ट्रांसफ़र कर दिए। अभी वहाँ पे प्राइमरी स्टेज पे काम चल रहा है और चार दीवारी निर्माण हो चुका है और उनका कंस्ट्रक्शन चालू हो निकट भविष्य में, वो अपना जैसा कि प्रस्तावित है कि बहुत शीघ्रता से वहाँ पर काम आगे बढ़ेगा और वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना होगी और इस दिशा में वहाँ पर कार्य प्रगति पर है। कहीं कोई व्यवधान नहीं है, जो भुगतान किया गया था एक्सग्रेसिया द्वारा स्थानीय किसानों द्वारा, उसमें कुछ एक किसानों का भुगतान जो कि उसका प्रकरण हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है, उसकी वजह से उनका भुगतान नहीं हो पाया। वो कभी कभी उसके रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको समझा दिया गया है, वो लोग शांत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन न्यायालय से निस्तारण होगा उनका अवशेष भुगतान उनको प्राप्त करा दिया जाएगा। वर्तमान में THDC अपना काम कर रही है वहाँ पर। कुछ अभी जो कुछ किसानों का कुछ चल रहा है वो आप देखो लेके वही था, जो कुछ 243 लगभग ऐसे किसान हैं जिनका भुगतान नहीं हो पाया है उसको, वो इस वजह से नहीं हो पाया कि बीच में एक जांच प्रोसीडिंग में थी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में, और उसमें एक एफिडेविट लगा हुआ था कि हम अग्रिम आदेशों तक भुगतान नहीं करेंगे, क्योंकि एक एफिडेविट के रूप में सबमिट है कोर्ट में, तो कोर्ट के अग्रिम आदेश तक उसका भुगतान पेंडिंग था। बाकी सबको भुगतान हो चुका है, सारा लैंड पोजेशन ट्रांसफ़र हो चुका है THDC को और वो कंपनी अपना काम कर रही है वहाँ पर। इन किसानों को भी समझा दिया गया, ये सहमत है, उनका जैसे ही न्यायालय अंतिम निस्तारण करेगा उनका भुगतान कर दिया जाएगा।